राशन पानी भी दिता करो साकुम भी दुआ करे सु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मैं इस वक्त एक विलेज के अंदर मौजूद हूँ, चक 517। ये अम्मा जी हैं, इनके हस्बैंड जो ना कभी मजदूरी करते हैं, अदरवाइज़ वरना वो नशा करते हैं, वो बाहर ही रहते हैं, घर पे नहीं होते। 8 बेटियाँ। अम्मा जी ने कहा कि मेरे घर के हालात ठीक ना होने की वजह से मैंने अपनी 2 बेटियाँ किसी और को दे दी हैं, वो पाल रहे हैं अपने पास जिनकी औलाद नहीं थी। तो अल्लाह पाक जना अम्मा जी के लिए आसानियाँ पैदा करें। अम्मा जी के अब इस वक्त हालात इस तरह से है, घर में खाने पीने के लिए एक तो कुछ नहीं है, उसके बाद ये जो आप घर देख रहे हैं ये इनके ससुर का है। जो ससुर है इनके, वो इनको जो है ना कभी कभार जो है ना बाहर घर से निकाल देते हैं। तो अम्मा जी कह रहे हैं कि मुझे जो है ना एक रूम की ज़रूरत है, उसके बाद जो है ना मेरी जवान बेटियाँ हैं उनके लिए कुछ खाने पीने के हवाले से, उसके बाद अगर उनके जहेज वगैरह हो जाए ताकि वो बेटियों को आगे रुख्सत कर सकें, आप वो भी कर सकते हैं। और वाशरूम है वो भी किसी ने बनवा के दिए, हैंड पंप है वो भी किसी ने लगवा के दिया सदके जारिया के तौर पे। इंतहाई डिज़र्विंग फैमिली है। और जो वाशरूम है, वाशरूम का दरवाज़ा तक नहीं है, लगवा तो दिया उन्होंने बट दरवाज़ा नहीं है। तो आए अम्मा से सलाम करते हैं, उनसे पूछते हैं वो इस वक्त ज़िंदगी कैसे गुजर बसर कर रही हैं, उसके बाद इनके शौहर इनको कुछ देते हैं कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। अम्मा जी क्या हाल है, ठीक ही वे? ठीक। अच्छा अम्मा जी सुनो, थोड़े घर वाला क्या काम कर रहे हैं, थोड़े घर दे हालात की में? बस हालात अल्लाह दे पूरे करना पर, बाकी हालात खराब हैं सारे डाटे। अच्छा, बस कहीं मिल दिए रोजी तो कहीं मिल दी नहीं। अच्छा, तो थोड़े कितना बेटा है? 8। 8 बेटे हैं जी। तो बेटा कोई क्या नहीं? कोई नहीं, दू अल्लाह दी ध्यान घेने। ओहो, अल्लाह पाक जी ना आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। और जो है ना आपने दुआ करनी है, 5 वक्त नमाज पढ़नी है कि अल्लाह पाक जो है ना अपने रिज़्क के हलाल में से जो है ना आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। और आपने लाजमी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, तो ये इनका मैंने जो पीछे घर है तो आप देख सकते हैं यही है। अच्छा अम्मा जी, ये घर थोड़ा अपना ही है, थोड़े ससुर का? ससुर का जी। तो मैं को जहाँ तक पता लगे कि थोड़े जो है ना ससुर वगैरह था, घर दोबारा काट लेना जी। थोड़ा अपना घर कोई नहीं? कोई ना। अच्छा, थोड़े हस्बैंड भी मतलब कोई काम नहीं करना? कोई काम नहीं करना। अच्छा, वेला साथ में। अच्छा, सारी उम्र वेला जी। तो नशा वगैरह करें दा? जी आते हैं लोग की नशा करें दा। अच्छा, आता पीछे दिल करें दा घर आवे दा ना, ता बैठी रहे दा। अच्छा, घर के नहीं आता? मर्दी दा मथा आ जी। अच्छा, ओ बस बच्चे कहन के पई रानी आ। अच्छा। नहीं करे दा मिलदी कशे नहीं खावण पे, बस हम थी ने क्या करूं? ओ अल्लाह, बिल्कुल नहीं मिलदा असलो। अल्लाह पाक ये ना आसानियां पैदा करे। नाल हम सान कोई नहीं पूछता जी। अच्छा, कोई नहीं पूछता, सके भिरावी इधर करे नहीं आके, जो कोई बच्चा भूखा बैठे कोई एक निवाला दे उनसे कोई नहीं पूछता। ओ हां, अच्छा। अरमान डोक लगदा पीछे पैरा ने बच्चे को घन के कौन शादी करे? कोई अल्लाह तो सवा तो कोई नहीं जा जी, अल्लाह पाक के सिवा और कोई जी। तो नाज़रीन, आपने सुना होगा अम्मा जी की रुदात, अम्मा जी की स्टोरी। तो किस तरह से अम्मा जी जो है ना इस घर के अंदर रहती हैं, जो घर आपने देखा कच्चा है, मड का बना हुआ है, और उसके बाद वो भी इनका नहीं है, इनके ससुर का है, और ससुर जो है ना कभी कभार जो है ना घर से बाहर निकाल देते हैं, ये जवान बेटियां ये कहाँ जाएँ? तो खुदा रहा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी हमारे इस वक्त राशन पानी भी दिता करो साकुम भी, दुआ करे सु बारे बच्चे को जो अल्लाह ताला को दरे। आमीन आमीन। अम्मा जी बस तुसा उना वास्ते दुआ करने जेड़े अल्लाह दे राह वास्ते रेंदन गरीब आ को जी जी। और जे ना आप लोगों में से कोई भाई या बहन सदके जारी के तौर पे इस अम्मा जी के लिए राशन देना चाहिए, घर बनवा के देना चाहे, आप वो भी दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है और बायो के अंदर भी मौजूद है, तो आप कर सकते हैं। आप अगर खुद आना चाहें हम इस अम्मा जी को आपसे मिलवा देंगे। अस्सलाम वालेकुम।